हेलो एवरीबॉडी, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ट्रस्ट। तो आज हम न्यूमेरिकल बनाएंगे ट्रस्ट का। तो बेसिकली ट्रस्ट क्या होता है? तो ट्रस्ट में एक स्ट्रक्चर रहता है जो मेंबर का पिन जॉइंट से वो जॉइंट होके एक स्ट्रक्चर बनेगी। मान लीजिए ये एक ए सी सी डी डी, ये कम्बाइंड इस ए सी एंड सी डी इस पॉइंट में आके टाइटली पिन जॉइंट हुआ, मीन्स ए सी सी डी कॉम्बाइन होकर एक स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर पे ये स्ट्रक्चर स्टैटिक लोड डायनेमिक लोड को लेगा और वो जो फोर्स लोड रहेगा उसका जो फोर्स रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वल इन वेरी इन दिस मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर, मीन्स ए सी सी डी सी ई ए ई बी एंड बी डी ये मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर है। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, तो जो फोर्स 18 किलोन्यूटन यहाँ पर दिया हुआ, 27 किलोन्यूटन दिया हुआ, ये एक्शन है। इस एक्शन की वजह से इसका जो रिएक्शन होगा, इस ये दोनों रिएक्शन सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट, ठीक है। तो हमें उस अकॉर्डिंग पे इस फोर्स का, इस लोड का लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा इस मेंबर पे। तो कोई भी एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई भी मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर पे लोड जो फोर्स होगा उसको कैलकुलेट करना रहता है। तो इस क्वेश्चन पे दिया गया है फोर्स इन ए मेंबर ऑफ ए ई, ए ई पे निकालना है, ठीक है। तो देखिए 18 किलोन्यूटन 27 किलोन्यूटन ऊपर से इस पे लग रही है, ठीक है, और 31.5 किलोन्यूटन इस पॉइंट ई पे लग रही है, और ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे हिंज्ड सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट मीन्स इस पॉइंट पे ये आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों पे ये मूव कर सकते हैं। तो इस कारण से इस पे दो रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मीन्स 18 किलोन्यूटन 27 किलोन्यूटन एंड 31.5 किलोन्यूटन इस पे जो एक्ट हो रही है, इस वजह से इस पे रिएक्शन, तो इस तीनों एक्शन की वजह से इस पॉइंट में एक रिएक्शन लगा जो आर बी वर्टिकल, और इस पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी लगा जिसका नाम होगा आर बी एच। सिमिलरली इस पॉइंट पे इस दोनों एक्शन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन पे रिएक्शन लगा जो वर्टिकल है, आर ए बी वर्टिकल एंड आर ए हॉरिजॉन्टल, ओके। तो पहला फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप जो है वो हमें फाइंड अननोन फोर्सेस। इसमें क्या है, आर ए एच, आर ए वी, आर बी वी एंड आर बी एच हमको निकालना होगा। तो हमें पता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओके, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इस तीनों कंडीशन से हम ये जो अननोन फोर्सेस है रिएक्शन आर ए एच, आर ए बी, आर बी वी एंड आर बी एच निकालेंगे। तो इस कंडीशन पे मैं पहले लूँगा समेशन ऑफ मोमेंट जीरो, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट, दो पॉइंट में मोमेंट हो सकता है कि इस पॉइंट पे ये रोटेट करने का फिनोमेना है और इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे लेने से क्या होगा, आर एच और आर ए भी इस पॉइंट से वो पास कर रहा है, तो इस दोनों फोर्स के लिए मोमेंट जीरो, ओके। और आर बी भी जो है वो पास कर रहा है इसी पॉइंट से, तो इस फोर्स के लिए मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि आर बी भी और इसके बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। मीन्स इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये थोड़ा सा इतना ऊपर लगता तो कुछ इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये लाई कर जा रहा उसी लाइन पे, इसलिए इसके लिए भी मोमेंट जीरो। तो निकालते हैं कंडीशन, देखते हैं इस पॉइंट के लिए, ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लेंगे। तो क्लॉक को देखिए इस पॉइंट पर, इसके लिए ये जब पास करेगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस हो जाएगा 1.2, यहाँ से लेकर हो जाएगा यहाँ पर 1.2। सिमिलरली ये भी इस पर बाइसेक्ट करेगा यहाँ से यहाँ तक 1.2, यहाँ से यहाँ तक 1.2। तो इसके लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये इस पॉइंट पे देखिए फोर्स अब देगा इस पॉइंट पे, तो इसे क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, इसे भी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो 18 × 1.2 समय से ना मूवमेंट जीरो ले रहे, ठीक है। 18 × उसके बाद 27 × 12.4 + 1.2 = 3.6, और ये जो फोर्स है 31.5 किलोमीटर, ये भी पॉजिटिव मूवमेंट देगा। तो 31.5 × 2.4
ओके। और जो आर वी वी है ये इस पे देखिए इस फोर्स पे ये इसको इस पॉइंट पे ये इसको जब फोर्स देखे तो इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएगा, इसलिए इसका नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव लेंगे। आर वी वी इंटू 2.4 प्लस 2.4 हो जाएगा 4.8। इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा इक्वल टू जीरो, इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आर वी वी का वैल्यू आएगा 40.5 किलो न्यूटन। ओके, देन हमें कंडीशन पता है समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन इक्विलिब्रियम को यूज़ करेंगे वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस में देखिए क्या कौन कौन सा लग रहा है, एक 18 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, ये दोनों डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ नेगेटिव लेंगे, ये दोनों पॉजिटिव लेंगे, मीन्स आर ए वी प्लस आर बी वी ये पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, और नेगेटिव जो नेगेटिव एक्सिस की तरफ उसको नेगेटिव साइन लेंगे। 18 - 18 - 27 - 31.5 किलो न्यूटन। ओके, इसमें हम आर ए वी प्लस आर वी वी का वैल्यू पुट कर देंगे, जो मैंने ऊपर से निकाला 5 - 18 = 0 - 27 - 31.5 किलो न्यूटन = 0। तो इससे मेरा मान निकल जाएगा, इस टोटल जो भी वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू इसको मैं इक्वल टू को साइड लेके जाऊंगा तो मेरा आर ए वी का मान निकल जाएगा जैक्सन एट पॉइंट ए वर्टिकल कॉम्पोनेंट ये वाला, ठीक है, निकल जाएगा 36 किलो न्यूटन। तो दो मैंने दो अननोन फोर्स निकाल लिया, आर वी वी और आर ए वी, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी का वर्टिकल फोर्सेस। अब आर ए एच और आर वी वी मुझे निकालना है, तो अननोन फोर्सेस जो है, ठीक है, ये और ये, तो दो रिएक्शन रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए क्या फिर कंडीशन लूँगा, दोनों ये जो कॉम्पोनेंट है, ठीक है, उसके लिए मैं फिर ले रहा हूँ समेसन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। समेसन ऑफ एफ एक्स में देखिए क्या कह रहा है, ऊपर देखिए आर ए एच जो पॉजिटिव तरफ एक्स की तरफ जा रहा है तो उसको प्लस आर ए एच लेंगे, और आर वी भी मेरा नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है तो माइनस आर बी एच लेंगे इक्वल टू जीरो। तो आर ए एच इक्वल टू आर वी एच, जब दोनों मान बराबर है, मतलब दोनों किसके बराबर होगा, जीरो का मान होगा बराबर होगा, दोनों का मान इक्वल जीरो, मतलब दोनों फोर्स आपस को बैलेंस कर रहे हैं तो इक्वल है तो उसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना था, ओके, क्वेश्चन में सॉल्व करना था, फोर्स निकालना है, ठीक है, इस ए ई मेम्बर पे, इस ए ई मेम्बर पे, तो मैंने ये दोनों अननोन फोर्स जो है रिएक्शन वो मैंने निकाल चुका है। अब मुझे मेथड ऑफ जॉइंट से मुझे मेथड ऑफ जॉइंट एंड मेथड ऑफ सेक्शन दो मेथड है जिससे हम फोर्स निकालते हैं मेंबर में, तो हम ए सी सी डी सी ई ई डी ई बी एंड बी डी किसी में भी निकाल सकते हैं, किसी कोई कोई क्वेश्चन पे सब में निकालने दे देता है, तो उस समय वो 10 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं एक करके दिखा देता हूँ फोर्स, हाउ टू फाइंड फोर्स इन ए मेंबर ऑफ ट्रस इन ए, ठीक है। तो देखिए अब हमें अब इस ए ई मेंबर का फोर्स निकालना है, तो हमें यहाँ पर रिजॉल्व करना है, मानिए इस पॉइंट को यहाँ पर ए ई ए सी और इसमें जो भी फोर्स है इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस पॉइंट के लिए, ठीक है, जिसमें ए सी ए ई और आर ए एच आर वी वी आएगा, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए कैसा होगा, तो मैंने फिगर को बना रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए फोर्स मेरा ए ई है, ए ई, ठीक है, यहाँ पर ए सी हो गया, आपस में एंगल 60 डिग्री था, ठीक है, इस पॉइंट पे लग रहा है आर ए एच, यहाँ लग रहा है आर ए वी, सॉरी आर ए वी होगा वर्टिकल, और ये आर ए एच, ठीक है। तो मैं इस कॉम्पोनेंट को तोड़ूंगा, रिजॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, तो ये इसमें मेंबर पे मान लेते हैं ये ए ई है, इसमें मान लेते हैं फोर्स ए ई लग रहा है, इसमें फोर्स ए सी लग रहा है, ठीक है। मैंने डायरेक्शन मान लेता इसमें जो डायरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि फोर्स ए की तरफ ए से ई की तरफ जा रहा है या ई से ए की तरफ जा रहा है, या ए से ई से ए सी एक से सी की तरफ जा रहा है या सी से ए की तरफ जा रहा है, ये पता नहीं मुझे, तो मैं मान लेता हूँ ए से सी की तरफ फोर्स ए सी है और ए से ई की तरफ फोर्स ए ई है, ठीक है। तो ए सी का कंपोनेंट हो जाएगा, यहाँ पर रिजॉल्व करूँगा तो एफ ए सी साइन 60, यहाँ 60 डिग्री है, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एफ ए सी कॉस 60 डिग्री,
ठीक है। सिमिलरली इस केस में ये मेथड, इसमें हम इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट लेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आ रहा है पॉजिटिव की तरफ, एफ ए सी कॉस 60 इस कंपोनेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है प्लस एफ ए, ठीक है, और माइनस आर ए वी, ये पॉजिटिव है आर ए वी इक्वल टू जीरो। देखिए आर ए वी आर ए एच सॉरी आर एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जीरो है क्योंकि मैंने निकाला था कि दोनों आर ए एच और आर वी एच आपस में इक्वेट था, इक्वल था, इसलिए वो वैल्यू उसका जीरो है, ठीक है। इससे निकल जाएगा एफ ए ई प्लस एफ ए सी कॉस 60, ठीक है, इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन मान लेते हैं। सिमिलरली आप समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो लेते हैं, ठीक है, एफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसमें आ जाएगा ये एफ ए सी साइन 60, एफ ए सी साइन 60 प्लस प्लस आर आर ए वी, ये दोनों पॉजिटिव की तरफ जरा जा रहा है और कोई नहीं है, इक्वल टू जीरो, तो एफ ए सी साइन 60 इक्वल टू माइनस आर ए वी, आर ए वी का मान मान निकाला था 36, तो माइनस 36 किलो न्यूटन, तो यहाँ से मेरा मान निकल जाएगा एफ ए सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 36 बाई साइन 60, मेरा मान निकलेगा यहाँ से माइनस 41.57 किलो न्यूटन, ओके। तो तब ए सी का मान देखिए नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आने का मतलब ये जो साइन मैंने लिया था ए से सी की तरफ ये गलत है, ये सी से ए की तरफ आएगा, ठीक है। तो हमें निकालना है एफ ए का मान, एफ ए के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन वन को यूज़ करेंगे, इक्वेशन वन के लिए क्या होगा, यूजिंग इक्वेशन वन से लेकर क्या होगा, एफ ए प्लस एफ ए सी, एफ ए सी का मान कितना निकला माइनस 41.57 और कॉस 60, ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो एफ ए का मान हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 41.57 कॉस 60, ओके। इससे मान मेरा निकल जाएगा 20.788 किलो न्यूटन एफ ए का, ठीक है, तो एफ ए का मान मेरा निकल गया जो मुझे निकालना था। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आया मतलब ये टेंसाइल इसका नेचर है, इस फोर्स का टेंसाइल नेचर है, इस यहाँ पर नेगेटिव आया था ये कंप्रेशन नेचर है, ठीक है, कंप्रेशन नेचर है। ये पॉजिटिव आया मतलब एस के ई की तरफ जो मेरा फोर्स का मेंबर था, डायरेक्शन था, वो मैंने सही आया, मतलब मान लीजिए इस दोनों फोर्स है, ये दो फोर्स की वजह से इसमें अभी मैंने सॉल्व किया तो इसका डायरेक्शन यहाँ आया, इसका डायरेक्शन यहाँ आया, मैंने निकाल लिया, अभी ए सी का फोर्स का नेगेटिव साइन आया, मतलब हम ए सी के सी की तरफ लेके चल रहे थे, मतलब उसका जब सॉल्व किए तो नेगेटिव आया है फोर्स का, मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट है इसकी तरफ। सिमिलरली हम मान लेते यहाँ इससे इसका इस यहाँ से ऐसे लेके चल जाएगा, सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर सिमिलरली इस पॉइंट को हम ब्रेक करेंगे और इस तरह से मेथड ऑफ जॉइंट का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे फोर्स को, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यदि मेरा एफ डी बी पॉजिटिव आएगा तो मतलब डी ये साइन सही रहेगा, नहीं तो मेरा साइन उल्टा आएगा, अपोजिट आएगा, ठीक है। सो फ्रेंड यही कॉन्सेप्ट है ट्रस का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यदि मेरा वीडियो देखो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू। इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट बी एस।